नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र पांडे है और मैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। आज हम प्रोसेस और स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में चर्चा करेंगे। कंप्यूटर बॉक्स, जिसके अंदर कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट्स होते हैं, उसे सिस्टम यूनिट कहा जाता है। आइए अब हम चर्चा करते हैं कि कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट आपस में जुड़कर कैसे कार्य करते हैं। चर्चा की शुरुआत हम मदरबोर्ड से करेंगे। सिस्टम यूनिट के अंदर एक सर्किट बोर्ड है जिसमें छोटे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और अन्य कंपोनेंट्स जुड़े हैं और इसको हम मदरबोर्ड कहते हैं। इसे कभी कभी सिस्टम बोर्ड भी कहा जाता है। मदरबोर्ड इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और स्टोरेज कंपोनेंट्स को एक साथ जोड़ता है और सीपीयू को रन करता है। मदरबोर्ड के अन्य घटकों में वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड और सर्किट शामिल हैं जो कंप्यूटर को प्रिंटर जैसे उपकरणों से कम्युनिकेट करने की क्षमता प्रदान करते हैं। एक्सपेंशन कार्ड, आप अपने कंप्यूटर पर संगीत और वीडियो फाइलों को चला सकते हैं, लेकिन यह कैसे संभव हुआ? कंप्यूटर सिस्टम बॉक्स के अंदर आपको एक एक्सपेंशन कार्ड भी मिलता है जो कि एक और सर्किट बोर्ड है जो आपके कंप्यूटर पर वीडियो डिस्प्ले और ऑडियो क्षमता जैसी सुविधाओं को जोड़ने के लिए मदरबोर्ड से जोड़ा जा सकता है। एक्सपेंशन कार्ड को एक्सटेंशन बोर्ड भी कहा जाता है जो आपके कंप्यूटर को मल्टीमीडिया डिवाइसेस का उपयोग करने में सक्षम बनाता है। एक एक्सपेंशन कार्ड या तो आपके कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को सुधारता है या फिर इसकी फीचर को एनहांस करता है। एक्सपेंशन कार्ड के कई प्रकार हैं, जैसे वीडियो कार्ड। यह कंप्यूटर के मॉनिटर से जुड़ा होता है और मॉनिटर पर इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए उपयोग किया जाता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC एक कंप्यूटर को अन्य कंप्यूटरों से कनेक्ट करने की योग्यता देता है ताकि उनके बीच सूचना का आदान प्रदान हो सके। साउंड कार्ड, यह माइक्रोफोन, ऑडियो टेप या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त होने वाले डिजिटल सिग्नल को ऑडियो फाइल में कन्वर्ट करता है जिसे कंप्यूटर में ऑडियो फाइल के रूप में स्टोर किया जा सकता है। साउंड कार्ड कंप्यूटर की ऑडियो फाइलों को इलेक्ट्रिकल संकेतों में भी कन्वर्ट करते हैं जिसे आप स्पीकर या हेडफोन के माध्यम से सुन सकते हैं। माइक्रोफोन और स्पीकर या हैंडसेट साउंड कार्ड से ही कनेक्ट होते हैं। अब हम चर्चा करेंगे स्टोरेज डिवाइसेस की। सभी कंप्यूटरों को प्रोसेसिंग के लिए डेटा को स्टोर और रिट्रीव करना होता है। कंप्यूटर के स्टार्ट होने से लेकर शटडाउन होने तक सीपीयू लगातार कंप्यूटर मेमोरी का उपयोग करता रहता है। स्टोरेज के दो प्रकार हैं, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज को मेन मेमोरी या इमीडिएट एक्सेस स्टोर भी कहा जाता है। कंप्यूटर सिर्फ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर डेटा को ही प्रोसेस कर सकता है। प्राइमरी स्टोरेज दो प्रकार की होती हैं। पहली है रैंडम एक्सेस मेमोरी या रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी मेन वर्किंग मेमोरी है। रैंडम एक्सेस मेमोरी केवल कंप्यूटर पर चालू होने के बाद इस्तेमाल हो सकती है। रैम प्रोसेसिंग होने पर अस्थायी रूप से डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करती है। रैम वॉलेटाइल है, इसका मतलब है कि अगर बिजली बंद हो गई या कंप्यूटर रिबूट हो गया तो रैम में रखी गई सभी जानकारियाँ नष्ट हो जाएंगी। रैम की स्टोरेज कैपेसिटी को MB यानी मेगाबाइट में नापा जाता है और अधिकांश एंट्री लेवल के कंप्यूटर में 1024 MB रैम होती है, लेकिन आज आप कुछ कंप्यूटरों में 3 GB रैम भी देख सकते हैं। रैम अन्य मेमोरी की तुलना में महंगी होती है तथा इसकी कीमत इसकी स्टोरेज कैपेसिटी पर डिपेंड करती है। प्राइमरी स्टोरेज का दूसरा प्रकार है रीड ओनली मेमोरी या रोम। रोम का इस्तेमाल कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ये इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर की मैन्युफैक्चरिंग के समय रोम में परमानेंटली स्टोर किए जाते हैं। रोम में स्टोर डेटा को मिटाया नहीं जा सकता। रोम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, अर्थात बिजली के चले जाने पर भी इसमें स्टोर डेटा नहीं मिटता। आइए अब हम रैम और रोम की तुलना करते हैं। रैम में स्टोर डेटा को बदला जा सकता है जबकि रोम में स्टोर डेटा को बदला नहीं जा सकता। पावर ऑफ होने पर रैम का डेटा मिट जाता है जबकि रोम का डेटा नहीं मिटता।
रैम वॉलेटाइल है और रोम नॉन वॉलेटाइल है। कंप्यूटर में जो डेटा अभी एग्जीक्यूट हो रहा है वो रैम में स्टोर्ड होता है और कंप्यूटर को बनाने के समय जो इंस्ट्रक्शन फीड किए जाते हैं वो ही रोम में परमानेंटली स्टोर्ड रहते हैं। सभी डिजिटल कंप्यूटर की मेमोरी बाईस्टेबल डिवाइस है। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली बाइनरी नंबर सिस्टम यानी 0 और 1 पर आधारित है। 0 और 1 को बाइनरी डिजिट या बिट कहते हैं, जो कि कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी को नापने की सबसे छोटी इकाई है। कंप्यूटर और सेकेंडरी मेमोरी की स्टोरेज की कैपेसिटी को बाइट्स में नापा जाता है। 1 बाइट में 8 बिट होती हैं, 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होती हैं, 1 मेगाबाइट में लगभग 1000 किलोबाइट होते हैं, 1 गीगाबाइट में लगभग 1000 मेगाबाइट होते हैं और 1 टेराबाइट में लगभग 1000 गीगाबाइट होते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस डेटा और इन्फॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करने के लिए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस का उपयोग किया जाता है, जिनमें डेटा को स्टोर करने की लागत बहुत कम होती है। हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, CD, DVD आदि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के उदाहरण हैं। इंटरनल हार्ड डिस्क धातु से बनी और पॉलिश की हुई डिस्क से बनती है। इसमें डेटा मैग्नेटिकली स्टोर किया जाता है। इसमें एक या एक से अधिक डिस्क हो सकती हैं। ये विभिन्न आकार एवं स्टोरेज कैपेसिटी में आती हैं और इनकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। सामान्यतः औसत कंप्यूटर में लगभग 80 से 250 GB कैपेसिटी की हार्ड डिस्क होती है। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी इंटरनल हार्ड डिस्क के समान ही होती है, किंतु यह कंप्यूटर से बाहरी रूप से जुड़ी होती है, इसलिए इसे खोलकर अपने साथ ले जाया जा सकता है। USB फ्लैश ड्राइव एक डाटा स्टोरेज डिवाइस होता है। इसमें USB यानी यूनिवर्सल सीरियल बस इंटरफेस के साथ फ्लैश मेमोरी इंटीग्रेटेड होती है। USB फ्लैश ड्राइव आमतौर पर रीराइटेबल होती हैं तथा इनको साथ में ले जाया जा सकता है। ये 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 3 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB आदि कैपेसिटी में आती हैं। मेमोरी कार्ड का इस्तेमाल डिजिटल कैमरा, सेलुलर फोन और म्यूजिक प्लेयर के साथ होता है। ये उच्च स्टोरेज कैपेसिटी की रीराइटेबल मेमोरी होती है। इसे USB केबल या मेमोरी कार्ड रीडर के इस्तेमाल करते हुए कंप्यूटर से जोड़कर इसमें स्टोर डेटा को एक्सेस किया जा सकता है। ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क डिस्क का वो प्रकार है जिसमें डेटा को लेज़र की बीम के इस्तेमाल से लिखा जाता है। इसके 3 मुख्य प्रकार हैं, CDR, CDRW और DVD। CDR या CD-ROM, जिसका पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी है, को इस नाम से इसलिए पुकारा जाता है क्योंकि इसमें स्टोर्ड जानकारी को केवल आप पढ़ सकते हैं और इसे सिर्फ एक बार लिखा जा सकता है। वे मल्टीमीडिया कंपोनेंट्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। CDR या कॉम्पैक्ट डिस्क सिर्फ एक बार रिकॉर्ड को लिखने की अनुमति देती है तथा इसे कई बार पढ़ा जा सकता है। CDRW या कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल आपको कई बार डिस्क में जानकारी लिखने और मिटाने की अनुमति देता है। DVD डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क विशेष प्रकार से फिल्मों को स्टोर करने के लिए बनाई गई हैं। एक DVD डिस्क में 4 GB से लेकर 17 GB की जानकारी को स्टोर किया जा सकता है। आज के लेक्चर में हमने प्रोसेस और स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में जाना। अगले लेक्चर में हम सॉफ्टवेयर की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।